कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे राम गोपाल वर्मा और महेश भट्ट के बीच छिड़ गई थी जंग सनी लियोनी को लेकर, कि अगर सनी लियोनी को करना चाहता है कोई भी साइन, उन्हें लेनी पड़ेगी पूजा भट्ट की NOC। मगर जिस किस्म की अंडरस्टैंडिंग सनी लियोन और पूजा भट्ट के बीच में है, जब तक पूजा भट्ट का नो ऑब्जेक्शन एक सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि द फर्स्ट राइट of her projection in Indian space within a time frame, वो पूजा भट्ट का है। मगर मुझे लगता है कि ये जो ऑफर्स का जिक्र मेरे साथ में भी हुआ था, राम गोपाल वर्मा की मेरी भी बात हुई थी, अब पूजा राम गोपाल वर्मा के बीच में है कि आखिरकार दोनों म्यूचुअली बैठ कर क्या डिसाइड करते हैं। मगर हाँ, अगर वो जिसम ब्रांड को फ़ायदा पहुँचाएगी तो शी विल बी इन अ पार्ट ऑफ एनी अदर आइटम और एनी अदर काइंड ऑफ फिल्म। पर अगर वो जिसम ब्रांड से कुछ टेक अवे करेगी तो यकीनन पूजा वाला खड़ा हो जाए। बट लगता है महेश भट्ट की इस वार्निंग से राम गोपाल वर्मा चले गए हैं बैकफुट पर। जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था कि राम गोपाल वर्मा ने सनी को अप्रोच किया था एक आइटम नंबर के लिए और रामू को NOC लेना होगा पूजा भट्ट से। लेकिन अब इस खबर को रामू झुठला रहे हैं। जब जूम ने राम गोपाल वर्मा से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, आई हैव नॉट कॉन्टेक्टेड सनी लियोनी फॉर एनी आइटम नंबर इन डिपार्टमेंट, द न्यूज इज फॉल्स। इंटरेस्टिंगली इसी न्यूज पर सुबह ही पूजा भट्ट ने भी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसा लिखा था, absurd news appearing about Sunny Leone appearing in a film called Department before Justin 2। और उधर Sunny Leone ने खुद कुछ ऐसा लिखा है अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, everything else you hear in the news is not true, I'm going to make my debut with Justin 2 only, I love Justin 2। लगता है कि NOC के चक्कर में पड़ने से अच्छा राम गोपाल वर्मा ने सोचा होगा कि वो इस खबर को डिक्लाइन ही कर दें। For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai.